नमस्कार, यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 11 में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। चैप्टर 3 मैथमेटिक्स में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस पे अब तक हम 7 वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आज का है वीडियो नंबर 8। तो इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2a एंड 3a, जैसे कि साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a। बुक में आपको मिलेगा लिखा हुआ टेन 2x, साइन 2x, कॉस 2x, टेन 3x, साइन 3x, कॉस 3x, डजेंट मैटर। x लिखें, a लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है। x भी कोई एंगल है, a भी कोई एंगल है, तो मैं a यूज़ करूँगा। तो शुरू करते हैं और आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लगातार देखेंगे, पूरा देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना जो मैंने लिखा हुआ है मैं सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर पी व्यास। और ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप इस पर अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आने वाले वीडियोज़ में उसको शामिल कर लूँगा। ओके, शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारे पास में पहले से फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, वो थे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी और कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। ये 8 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। ये सारे फॉर्मूले क्या बल्कि आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब आपको ये जो आज हम करने जा रहे हैं 2a 3a के लिए, ये भी उन्हीं पे बेस्ड है। वो आपको आते होंगे तो इसके बेस पे अपन कर सकते हैं, लेकिन पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको प्रूव करके बताऊँगा। देखिएगा, सबसे पहले साइन 2a के दो फॉर्मूलेज होते हैं। पहला होता है 2 साइन a cos a, किताब मिलेगा साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x, मैं a यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan square a। ये साइन 2a के दो फॉर्मूला हैं, मैं दोनों को अभी प्रूव करूँगा इसी वीडियो के अंदर। फिर cos 2a, cos 2a के लिए भी काफ़ी फॉर्मूलेज हैं। मुख्य जो फॉर्मूला है वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये कॉस के टर्म्स में है। ए होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक टेन के टर्म्स में होता है, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये जो चारों फॉर्मूले हैं ये कॉस 2a के ही हैं, और आपको कॉस 2a के संदर्भ में इनको याद रखना है। कौन सा काम में लेंगे, कब काम में लेंगे, सब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम इनको यूज़ करना आपको सिखाएंगे। अब आता है टेन 2a। तो टेन 2a का जो है वो 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, एक ही है ये। ये हो गया आपके साइन 2a का फॉर्मूला, ये हो गया कॉस 2a का, ये हो गया टेन 2a का। अब लेते हैं 3a के। तो 3a के जो फॉर्मूले हैं वो देखिएगा, साइन 3a का फॉर्मूला ये है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। याद रखिएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। फिर ये फॉर्मूला कॉस 3a का, ये है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता पड़ेगा, इसमें ये 3 साइन ए पहले आता है, इसमें 3 कॉस ए बाद में आता है।
साइन ए वाले में, साइन थ्री वाले में फोर कॉस क्यूब ए बाद में आता है, फोर साइन क्यूब ए बाद में आता है, और कॉस थ्री ए में फोर कॉस क्यूब ए पहले आता है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिएगा टेन थ्री ए, ये होता है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, मुख जवानी याद होने चाहिए एकदम से, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये केवल इलेवंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो ट्वेल्थ में जाएंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिफरेंशियल है, इंटीग्रल है, बहुत सारे चैप्टर्स में ये आपको काम आएगी। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर तीन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब मैं एक एक करके ये जितने फॉर्मूले आपको हम लिखवाए हैं, कितने यूँ तो छः हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, पर इस पहले में दो हैं, दूसरे में चार हैं, और बाकी सब में एक एक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ इनको समझाने की। देखिएगा ये जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है, बेसिक नहीं है। बेसिक तो वो छः थी जो आपने क्लास टेन में पढ़ी हुई है, सॉरी बेसिक तो तीन थी जो आपने क्लास टेन में पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बेसिक थ्री आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्री में, वो आपने क्लास टेन में पढ़ी हुई है। ये आगे की आइडेंटिटी है, बेसिक तो नहीं है लेकिन आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप जो ये वेरिएबल्स हैं ना ए और बी, इनको कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेफ्ट में राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे चाहिए साइन टू ए का फॉर्मूला, उसमें कहीं बी नहीं आता है, इसका वाला मुझको बी को एलिमिनेट करना है। अगर मैं इस आइडेंटिटी में बी इजिकल टू ए ले लूँ, यानी इसमें जहाँ जहाँ बी आता है ना वहाँ ए लिख दूँ, तो लिखेंगे टेक, यानी लीजिए बी इजिकल टू ए, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी है ना, तो ये ए प्लस ए हो जाएगा इजिकल टू साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए, यानी जहाँ बी था वहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ ए की जगह ए, बी की जगह ए, ए की जगह ए है ही और बी की जगह ए। अब आप जानते हैं कि ए और ए मिलके, ए और ए मिलके टू ए होते हैं, तो साइन टू ए। अब देखिए ये भी साइन ए कॉस ए है और ये कॉस ए इंटू साइन ए है, हम कॉस ए इंटू साइन ए को साइन ए इंटू कॉस ए भी कह सकते हैं, गुणा है ना, तीन इंटू चार करो या चार इंटू तीन करो आएगा तो बारह ही, तो कॉस ए इंटू साइन ए करो या साइन ए इंटू कॉस ए करो है वो साइन ए कॉस ए। तो ये भी साइन ए इंटू कॉस ए है, ये भी साइन ए इंटू कॉस ए है, दो बार आ गया ना प्लस के अंदर, तो ट्वाइस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। ये हमने आपका जो पहला फॉर्मूला है आज का, ये वाला साइन टू ए बराबर टू साइन ए कॉस ए, इसको प्रूव कर दिया। अब हम इस पर आते हैं, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ये कहाँ से आया भाई। तो देखिएगा यहाँ तक तो आप कर चुके हैं, सिंस साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए, यहाँ तक आप कर चुके हैं। इट इम्प्लाइज साइन टू ए बराबर, क्या मैं इसको टू साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि जो बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। थीटा मानो या इसमें ए मान रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन। अब मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखूँ या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैंने क्या किया, ये लिख दिया, कारण क्या, इसकी वैल्यू होगी वन, और वन को जब वन से जब डिवाइड करेंगे टू साइन ए कॉस ए को, तो टू साइन ए कॉस ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे है ये बहुत स्टेप इम्पोर्टेंट, मैं स्टार लगा देता हूँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप, इट मीन्स
साइन टू ए बराबर क्या हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर देखिए टू साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया, तो देखिए जो हमको ये फॉर्मूला दिख रहा है ये टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए है, यानी अगर मैं कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए वन हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। इट इम्प्लाइज साइन टू ए बराबर। अब देखिए आप ध्यान से कि यहाँ ऊपर कॉस ए है नीचे कॉस स्क्वायर है, एक कॉस ए कट जाएगा तो क्या रह गया टू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो टू टेन ए, और कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो वन, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूले नॉर्मली पूछते नहीं है कभी एग्ज़ाम में, याद करने की बात होती है, लेकिन अगर आपके समझ में आ चुके हों बेसिकली पढ़ के तो अच्छा रहता है, कभी आप भूलेंगे नहीं इसको, है ना। कुछ चीज़ समझ के की जाती है तो कभी भी दिमाग से वो निकलती नहीं है, अब वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना आप याद हो जाएगी। तो टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी हो गई साइन टू ए की, ये देखिएगा साइन टू ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब अच्छा एक और बात कहना चाहूँगा, अभी मुझे लग रहा है कि ये मैं सारी बातें इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, तो ये जो तीन हैं साइन थ्री ए कॉस थ्री ए टेन थ्री ए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेता हूँ, मैं यहाँ तक कराऊँगा आपको, क्यों मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसकी जो लेंथ है वो मैं नहीं चाहता कि 18-20 मिनट से ज़्यादा की हो। अब ये साइन टू का क्या ना, अब हम करते हैं कॉस टू ए का। तो देखिए ध्यान से वी नो दैट, मैं कभी लिखूँगा ना वी नो दैट तो आगे लिखूँगा ऐसे डब्ल्यू के टी, बस ये शॉर्ट फॉर्म होगा वी नो दैट डब्ल्यू के टी, वी नो दैट कॉस ए प्लस बी, ये आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अच्छी तरह बता चुका मैं आपको कॉस ए प्लस बी को, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अगर मैं यहाँ भी बी को ए लिख दूँ, पुट बी इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी की जगह ए बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी की जगह ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी की जगह ए। मैं फिर दोहराता हूँ इस चीज़ को कि आइडेंटिटी के अंदर आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं LHS RHS में बराबर रूप से, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, हिंदी में कहते हैं इसको सर्वसमिका, इट इज़ इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन द आइडेंटिटी। तो ये हो गया, अब देखिएगा इसको आगे कैसे करें हम, ये हो जाएगा अपने टी रेशियो, अपना जो हेडिंग चल रहा है यहाँ पे टी रेशियोज फॉर टू ए एंड थ्री ए, थ्री अगले वीडियो में हो जाएगा, डेट हमारी आज की चल रही है 17/8/20 पे चल रहा है इसका वीडियो का, अपने तीसरा वीडियो लेक्चर नंबर 8 एंड पेज नंबर 3। पहले मैंने सोचा था दो पेज में करा दूंगा पर दो पेज में नहीं हो रहा है। अब देखिएगा क्या होगा इसके अंदर, कॉस टू ए, कॉस टू ए ये ना यहाँ पे आपने भी किया था अभी, देखिए ए प्लस ए क्या होता है टू ए, यहाँ कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये देखिए आपके जो कॉस टू ए के जो पहला जो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्रूव हो गया, तो कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है
उसमें आपको अच्छी तरह पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, हमको लाना है कॉस स्क्वायर ए में आंसर। देखिए जो अगला वैल्यू इसकी है वो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन है, यानी हमको कॉस टू ए का जो फॉर्मूला है उसको कॉस ए की टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ तो साइन आ रहा है तो साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा कॉस में, तो ये कॉस स्क्वायर ए तो है ही माइनस, और साइन स्क्वायर को लिख देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्यों आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू वन होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू वन है, इट मीन्स साइन स्क्वायर इजिकल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, इट इम्प्लाइज कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, इट इम्प्लाइज कॉस टू ए बराबर। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलकर क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए, और माइनस वन तो ये है ही है, तो ये देखिए फॉर्मूला प्रूव हो गया, ये वाला कॉस टू ए की जगह टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला है, तीसरा है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। अब वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए में केवल साइन आ रहा है, कॉस नहीं आ रहा। अब देखिए यहाँ कॉस आ रहा है, या तो मैं क्या करूँ इसको साइन में चेंज कर लूँ, और या फिर यहाँ साइन में चेंज कर दूँ, बात एक ही है, तो यहाँ रखूँ वैल्यू कॉस स्क्वायर ए की इन टर्म्स ऑफ साइन, तो यहाँ लिखूँ वन एंड सेम थिंग, यहाँ रख देते हैं नाउ कॉस टू ए बराबर टू। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए एज पर बेसिक आइडेंटिटी, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस वन इट मीन्स कॉस टू ए बराबर ओपन द ब्रैकेट टू माइनस टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, इट इम्प्लाइज। अब देखिए दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, और माइनस टू साइन स्क्वायर तो ये है ही, ये कॉस टू ए बराबर हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये वाला देखिए कॉस टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। अब तीसरा जो चौथा जो फॉर्मूला इसका है कॉस टू ए का, वो है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, इसको भी कर लेते हैं, वापस लिखता हूँ मैं अगेन, फिर से कॉस टू ए जो था वो था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर मैं अपॉन वन कर दूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वन से डिवाइड करेंगे तो वापस वही तो आएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और वन को लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये लिख दिया हमने वन को। अब जैसे हमने साइन टू ए की फॉर्मूले में किया था वैसे इसमें भी करेंगे, वी विल डिवाइड नोमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर ए, तो सब जगह डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर ए से, क्या हो जाएगा देखिए आप, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए आगे चलते हैं, ये डिटेल लिखनी पड़ेगी ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2a ऑब्लिक 3a, डेट आज की 17/8/20, और ये पेज नंबर, वीडियो तो आपका कौन सा है चल रहा है, ये वीडियो चल रहा है 8वां, और पेज नंबर हो गया 4। अब देखिए अपने क्या चल रहा है यहाँ पे, कॉस 2a, इट इम्प्लाइज कॉस 2a बराबर, देखिए ये कॉस स्क्वायर कट गया था, और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर, सिमिलरली ये कट गया था तो वन आएगा, और ये होगा टेन स्क्वायर, तो वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर।
ये कॉस्ट वे का चौथा फॉर्मूला प्रूव हो गया। देखिए कॉस्ट वे के चार थे ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चौथा प्रूव हो गया। तो क्या हुआ इसके फॉर्मूले चार? पहला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तीसरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, चौथा वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। जब जैसी जरूरत पड़ेगी हम काम में लेंगे। अब टेन टू ए का फॉर्मूला डेरिव कर लेते हैं। टेन टू ए का देखिए, वी नो दैट डब्ल्यू के टी, वी नो दैट टेन टू ए, सॉरी, वी नो दैट टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवाए थे, प्रूव नहीं किए थे, तो आप लोगों को किताब में देख कर इनको प्रूव करना चाहिए। और अगर कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता है पुस्तक से या किसी जगह से भी, तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं अगले वीडियो में फॉर्मूले डेरिव कर दूँगा। क्योंकि फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स पढ़ने के लिए, बेसिकली पढ़ने के लिए और आगे अच्छे से नंबर लाने के लिए। ना ये आपके होता ही है। अभी भी मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, बी की जगह ए लिख देंगे। तो पुट बी इज इक्वल टू ए, हम क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी की जगह ए हो गया इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए। यानी जहाँ जहाँ बी था वहाँ हमने ए लिख दिया, तो ये फाइनली हो गया टेन ए प्लस ए होता है टेन टू ए, टेन ए प्लस टेन ए होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए होता है टेन ए स्क्वायर ए। तो ये आपके टेन टू ए का फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। टेन टू ए का फॉर्मूला ये देखिए, टेन टू ए वाला टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए स्क्वायर ए। अब ये जो तीन हैं, साइन थ्री ए, कॉस थ्री ए, टेन थ्री ए, इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करूँ उसके पहले एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा। ये जो कॉस टू ए का फॉर्मूला है, कॉस टू ए का फॉर्मूला जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको मैंने कॉस टू ए की वैल्यू लिखवाई थी, बेसिक जो है वो तो है ही, खैर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और एक होता है इसके अंदर वन माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। इसके अलावा दो और थे वो बात कर रहा हूँ मैं, एक तो था टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और एक था वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। मैं इन दोनों से कुछ और फॉर्मूले बना रहा हूँ, वो बहुत काम आते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मैं इसको इसके बराबर करूँ कॉस टू ए को टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन के, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि टू कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस वन को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा, तो वन प्लस कॉस टू ए। इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम आएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हम कई बार टू कॉस स्क्वायर को लिखेंगे वन प्लस कॉस टू ए, कई बार लिखेंगे वन प्लस कॉस टू ए को टू कॉस स्क्वायर ए। जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसा काम करेंगे। और अगर मान लीजिए मैं इन दो को साथ रखता हूँ, इन दो को यानी कि कॉस टू ए के साथ रखता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, तो आप देखेंगे ये कॉस टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। अगर ये माइनस टू साइन स्क्वायर में इधर लेके आ जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, नेचुरली वो तो चला जाएगा, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस टू ए। इट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू। ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है दोनों ये। टू साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस टू ए, साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू। हम कई बार वन माइनस कॉस टू ए को लिखेंगे सीधा ही टू कॉस स्क्वायर ए, या टू साइन स्क्वायर को लिखेंगे, सॉरी
वन माइनस कोस टू को सीधे लिखेंगे टू साइन स्क्वायर है, या टू साइन स्क्वायर को सीधे लिखेंगे वन माइनस कोस टू है, और ये तो खैर इसके बाद की बात है ये। तो ये आज मेरा वीडियो पूरा हुआ, आज इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको 3a के फॉर्मूले प्रूव करके बताऊंगा, तब तक आप इसके, अच्छा मैं आपको पहले कह चुका हूँ मेरा उद्देश्य कोर्स करना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको बेसिकली पढ़ाना है। हाँ कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा और बाकी जो आप पूछेंगे उनको मैं सॉल्व करूँगा। आप बेशक किसी भी चैप्टर से पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप जहाँ जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ कहीं चैप्टर कुछ चल रहा हो, कहीं चैप्टर कुछ चल रहा हो, तो आप उसके हिसाब से चाहे तो मुझे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, इस मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, और जिस नंबर से व्हाट्सअप करेंगे वो नंबर मेरे पास आ ही जाएगा, तो फिर मैं आपको उसका समाधान दे दूँगा। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, इट इज़ माई पैसन पढ़ाना, ठीक है ना। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आपने ज़रूर इसको लाइक और शेयर करना है, कर लिया होगा, और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बहुत काम आएगा। यहाँ ये भी कहना चाहूँगा मैं पाँचवीं छठी क्लास से बारहवीं क्लास तक के लिए बनाता हूँ वीडियो, सब बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक मुझसे पढ़ सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से। इवन मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसके वीडियो भी डालूंगा, पहले डाले थे काम मैंने रोक दिया, अभी मेरा कोई थीसिस वर्क चल रहा है उस पर काम करेंगे। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो, थैंक यू।